हाँ भाई, सिक्स क्लास के प्यारे बच्चों कैसे हो। मैंने उस दिन आपको पहला पाठ समझाया था, समझ में आ गया था। आगे देखो, पहला पाठ निकालो शब्द परिचय, इसका तीसरा पैरा निकालो बेटा। दो पैरे तो पक्के याद हो गए होंगे, तीसरा मैंने कराया तो था। देखो, ए तऊ कऊ, अब ये तय के औ की मात्रा है, कह के भी औ की मात्रा है, तो इसको कैसे बोलेंगे औ। ए तय तय अर औ, ए तऊ कऊ, ये ए तऊ मैंने ये दोनों शब्दार्थ लिखवा दिए थे ना, ये तो मैंने ये दोनों, कऊ मैंने कौन है, ये दोनों कौन है। ए तऊ सुन कऊ सतह, ए तऊ मैंने ये दोनों, क्या बोला था अभी, ये दोनों सुन कऊ कुत्ते, सुन कऊ औ की मात्रा तो दो है, ये दो कुत्ते सतह मैंने हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम किम मैंने क्या, ये क्या है किम, मैं अलम था, ये आधा होता है इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सवर नहीं है। तो किम ए तव, फिर औ की मात्रा क्या, क्या ये दोनों गरजते हैं, गरजते हैं ने, नहीं ए तव ये दोनों ऊंची जोर से या ऊंची आवाज में भुकते भौंकते हैं, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में भौंकते हैं। अब अगला देखो बेटा, तव कऊ, तव वही है, अब ए तऊ तो है पास के लिए, ये दोनों इसके बिल्कुल पास है, देखो ये दोनों पास इतनी ही जगह है, और तऊ है दूर, ये देखो दूर है, अल चला रहा ना ये किसान, तो ये इससे बहुत दूर है, तो क्या कहेंगे वे, ये दोनों और इसमें कहेंगे वे दोनों, समझ में आया ना, जो पास में होगा उसको तो कहेंगे ए तऊ, ए तऊ मैंने ये दोनों, ये दोनों, और जो दूर होगा उसको कहेंगे तव, वे, यहाँ वे लिखेंगे दोनों, इसमें भी दोनों, आगे समझ में, पास होगा ये दोनों, दूर होगा वे दोनों, तो कऊ मैंने कौन, वे दोनों कौन हैं। तव बलिवर्दव सतह, तऊ मैंने वे दोनों, बलिवर्दव बैल, बलिवर्दव बैल सतह मैंने हैं, वे दोनों बैल हैं। किम किम ऐसे भी लिखते हैं जो ऊपर लिखा था, और किम ऐसे भी लिखते हैं, इसका बिंदी है, ये मैं की है, ठीक है, कदे इसको की बोलो, ये की लिख के और ये बिंदी जो है ये क्या की है, मैं की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किम किम मैंने क्या, तऊ मैंने वे दोनों, दावते मैंने दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, प्रश्न पूछा भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, नहीं तऊ अक्षेत्रम करस्ते, नहीं तऊ मैंने वे दोनों, अक्षेत्रम मैंने खेत को, करस्ते मैंने जोतते हैं, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं, हल चलाते हैं ना, ये कौन बैल, बैलों को कौन चला रहा है, किसान। आगे देखो, अगला पेज करोगे, आगे आ गया है एते के, क्या आगे एते के, एते मैंने बेटा ये सब, एते मैंने ये सब, देखो बिल्कुल पास है, अब एक ही मात्रा है, एते कह कभी एक ही मात्रा है, के ये सब क्या लिखेंगे, समझा तो वैसे मैंने पहले भी दिए थे शब्दार्थ, एते मैंने ये सब, और के मैंने क्या है, कौन है, हैं बहुवचन बिंदी लगती है, और भाई कौन है, दोनों बनते हैं इससे, तो ये सब क्या है, कौन है तो मनुष्य होगा या घोड़े होगा, ये निर्जित तो क्या है, एते मैंने ये सब, एते मैंने ये सब, अभी समझा था, क्या बोला ये सब, शूता मैंने थैले, शूता मैंने थैले, संति मैंने हैं, ये सब थैले हैं, ये प्रश्न पूछा था, ये सब क्या, उत्तर दिया ये सब थैले, कि मेते हरित वर्ण है, क्या ये सब हरित, हरे हरित, हरे वर्णा रंग, वर्णा मैंने रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं, फिर प्रश्न पूछा ना, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं, कैसे के दिख रहे हैं, नीले के, शाबाश, नहीं एते नील वर्णा संति, ये सब नीले रंग के हैं,
आगे देखो बेटा लास्ट पैरा, ते के, ते आ गया दूर, वे, अब ये तो ये सब था और ते मैंने वे सब, ते मैंने वे सब, लिखा ते मैंने वे सब, के मैंने क्या या कौन, आगे क्या पूछा इसने, वृद्धा, वृद्धा मैंने बूढ़े, वृद्धा मैंने वृद्ध होते ना बूढ़े आदमी, बूढ़े आदमी तो धा है, बहुवचन होता धा, आ की मात्रा है, संति मैंने हैं, वे सब बूढ़े हैं, किम और क्या कह सकते हो तुम इनको, हैं क्या कह सकते हो, बड़े भी कह सकते हैं, बूढ़े नहीं कहेंगे तो बड़े हैं तो, लेकिन बूढ़े ही कहेंगे, किम मैंने क्या, वो फिर आ गया की, किम ऊपर ऐसे आया किम, यहाँ ऐसे आ गया किम, ये तुम्हें दिखाना चाहता है, कैसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी, किम ते मैंने वे सब, गायंती गाते हैं, क्या वे सब गाते हैं, प्रश्न पूछा, क्या वे सब गाते हैं, नहीं, ते हसंती, नहीं वे सब हंसते हैं, ओके आगे समझ में, अब मैंने कल बेटा आपको अभ्यास कराया था, समझ में आ गया था, अब जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का क्या करना, उच्चारण करना है, क्या करना है, उच्चारण, क्या ये पढ़ना है बस, सही बोलना चाहिए, शुद्ध साफ स्पष्ट, छात्र गजय घटे, शिक्षक मकर दीपक मयूर बिडाल अश्व शूक मुष्क चंद्र बालक चालक गायक, आगे देखो, अब ये चित्रणी दृष्ट्वा पदानी उच्चारियत, चित्र में देख कर नो कह इसको सही पद को उच्चारण करो, क्या करेंगे इसको, या क्या है कृषक, ये क्या है वृषभ है, ये भल्लूक है मंडूक है कपोत है पर्यंक है, अंग है ये पर ये अंग है पर्यंक है, अब ये दूरभाष है काक है, ये क्या है सोचिक है, अब प्रश्न नंबर दो, वर्ण संयोजन पदम लेखत, अब इनको जोड़ के लिखना है, मैंने अभी तुम्हें बताया था भाई हमें क्या करते हैं, जो ये व्यंजन है ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की, च और ए को मिला देंगे, च और ए को मिला देंगे, क्या बन जाएगा अलंत खत्म हो जाएगा, पूरा बन जाएगा च, क्या बन जाएगा बेटा च, देखो इसने बना रखा है, ये उदाहरण है एक बना रखा च, आगे है स और ए, स और ए, स का लंत लग रहा है, ए मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि सभी जो व्यंजन है वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, जैसे इसने लिखा च हलंत जमा में ए, अब च में जब ए डल जाएगा ये क्या बन जाएगा पूरा च, अब ये पूर्ण च है क्योंकि इसके अंदर स्वर भी है, अब इसके अंदर जो स्वर निकल जाएगा तो ऐसा च रह जाएगा, ये स्वर है ये, और ये क्या है व्यंजन, स्वर स्वर और व्यंजन मिलके पूर्ण क्या बन गया अक्षर, च अब पूरा अक्षर है, अब इसको च बोलेंगे हम, ठीक है, तो आगे है दूसरा श, पेटपटी श हलंत जमा में ए, अब क्या बन जाएगा पूरा हलंत हट जाएगा पेटपटी से, अब आगे क्या बेटा क हलंत जमा में ए, क्या है ये ए, क्या है ये ए, शाबाश, अब क हलंतर ए क्या बन गया कह, क्या बन गया कह, ठीक है, अब इसका भी हलंत नहीं, देखो इन किसी का भी नहीं, अब इन तीनों को जोड़ देंगे क्या बन गया च श क चस्क, चस्क क्या था गिलास, क्या बन गया गिलास, ऐसे ही तुमने ये जोड़ना है स औ, क्या बन गया शव, क्या बन गया शव, बनाते चलेंगे साथ साथ, स औ जोड़ोगे तो शव बन गया भाई, ये दो अक्षर मिला दिए हमने, अब च में ई मिलाओ क्या बन गया छोटी की मात्रा तो छोटी की लगाएंगे ची, अब आ गया क हलंत जमा ए क, क्या बन गया सोची क, सोची क, सोची क क्या था दर्जी, बन गया दूसरा, अब अगला बनाओ स जमा में ऊ, क्या बन गया बेटा शू, शाबाश बोलो शू, न जमा में ए न, क जमा में औ कऊ, सुन कऊ, क्या बन गया सुन कऊ, क्या बन गया ये
सुन कौ लिखे, देखो से लिखेंगे से हलंत जमा में उ क्या बन गया शु, ने हलंत जमा में औ नहीं ने में औ नहीं है बेटा, ने में ए है, ने जमा में ए, ने और ए मिलकर क्या बना पूरा ने, सैर उ मिलकर क्या बना शु, जिसका मात्रा होगी वो तो मात्रा लगेगी, अब ए की कोई मात्रा नहीं दिखती, ए का तो बस अलंत खत्म होएगा, जैसे मेहंदी में रंग वो है ना लाल वो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे ही हमें ए की मात्रा का पता नहीं चलता, और अगर हम देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा, जैसे इसके अंदर ए नहीं है तो क्या लगाया अलंत, इसके अंदर ए नहीं है अलंत, अब ए आ गया तो कोई अलंत नहीं, देखो ये ए है इसके अंदर भी ए है कोई अलंत नहीं इसमें भी, तो ये पता चलेगा जब नीचे नहीं लग रही अलंत तो उसके अंदर ए है मात्रा नहीं है तो, और ये मात्रा अलग से दिखेगी। सुने अब है कै हलंत जमा में औ, तो कैर औ जोड़ दो कौ क्या बन गया सुने कौ, सुन कौ आ समझ में, अगला क्या बन गया सुन कौ, अब ये तुम लिखोगे ध आ धा व ए व त ए त धा त, क्या बन गया धा व त धा त, अब अगला देखोगे इससे आगे क्या है अगले पेज पे, अब व क्या है ये व री द ध आ, ये इकट्ठे बनेंगे बेटा द और ध आ, क्या बनेगा व का री की मात्रा लगा देंगे वरी हो जाएगा वरी, और द ऐसे का ऐसे लिख लो दह का आ लगाओ क्योंकि दह का तो कोई है नहीं सवर, तो धा ऐसे लिख देते हैं वरी धा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये दह और ये नीचे इसका धा हो गया वरी धा, ऐसे भी देखा होगा और ऐसे भी देखा होगा, दोनों तरह से तुम इसको लिख सकते हो। आगे गय प्लस में आ गा, ये प्लस में ए ये, ने का फिर शवर नहीं है पीछे तो अकेला न रहेगा, क्या बन जाएगा गा ये आधा न रहेगा, तय का छोटी की मात्रा तो तय का यहाँ से लगाएंगे तो न पूरा यहाँ से लगा देते हैं, ऐसे मात्रा चली जाती गायन ती, ठीक है ऐसे ही ये करोगे लघु, अब इसको ल के वर्ण विच्छेद कर दिया, ल अलंत जमाया गह अलंत जमा लघु, शिव्यति स अलंत जमा में बड़ी ई, बड़ी की मात्रा है ना जमा में वह आधा है तो वह अलंत आधा हो गया यो, अब इसमें कोई क्या नहीं है सवर नहीं है वह में, ये हलंत जमा में ए, तय में छोटी की मात्रा है तय हलंत जमा में छोटी ई, आ गया समझ में, शिव्यति ऐसे करने हैं सभी, ये करोगे वरना वह जमा में ए और रे, देखो इसको भी सिखाती हूँ व हलंत जमा में ए बन गया व, आया समझ में ये क्या बन गया व, अब रे की बारी है भाई, रे जो ऊपर है वो हमेशा कैसा होता है आधा, तो इसलिए जमा में रे हलंत क्योंकि इसके अंदर सवर नहीं है, तो ये हो गया रे, अब बारी है अणे की, अणे हलंत जमा में इसके क्या की मात्रा लग रही है आह, क्या की है आह विसर्ग लगेंगे आग आह, ठीक है ऐसे ही कुकुरऊ, कु बनाओ क हलंत जमा में छोटा उ, फिर क है आधा है या देगा कुछ नहीं लगेगा, ऐसे का ऐसे हो गया आधा पूरा लेके हलंत लगा दिया आधा बन गया, अगला फिर कु है क हलंत जमा में फिर उ आ जाएगा, अब रऊ की मात्रा रे हलंत जमा में औ कुकुरऊ, अब ये दो बनाओगे, अब ये आगे देखोगे बेटा क्या ये चस्क है चस्कऊ चस्का, अब यहाँ खाली है चस्क के विसर्ग लग रहे हैं, ऐसे ही बलिवरदऊ है, बलिवरदऊ की मात्रा हटा के हम यहाँ क्या लगा देंगे विसर्ग, बलिवर्द है बलिवरदऊ बलिवरदा, यहाँ आ की मात्रा आ जाती है, ठीक है यहाँ सुन कह अड़े औ की मात्रा लगानी सुन कहू, यहाँ सुन का आ की मात्रा, अब ये है मृग है यहाँ आ यहाँ मात्रा नहीं है, मृग है मृगऊ मृगा, अब सोची कऊ है औ की मात्रा हटा देंगे, सोची कह है सोची कऊ सोची का, मयूर है मयूरऊ मयूरा, आज हम यहाँ तक ही समझाते हैं,
चौथा प्रश्न और पांचवा छठा ये कई रह गए, ये कल समझाएंगे बेटा। आज का काम इतना ही है, ये चैप्टर अच्छे से करना है, सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। कॉपी पे कर लेना, साफ कॉपी पे अच्छे से याद करना साथ साथ। ओके बाय बेटा।